प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है इसलिए सुपरस्टार सिंगर के सेट पे जय के रूप में आ चुके हैं ऋत्विक सुपरस्टार सिंगर के सुपर 14 एवरीबॉडी आर यू ऑल एक्साइटेड। कल रात आपने देखा होगा कि 14 में से जो 9 आगे पहुंच चुके हैं वो हैं मौली, अंकोना, निष्ठा, स्नेहा, शिकायना, प्रीति, तपोलब्धा, सोएब एंड हर्षिक। क्या बात है। आज बाकी के जिन 7 ज्वालामुखियों के कम मेडल्स हैं उन्हें लड़ना होगा जंगे सुपरस्टार सिंगर। और आज परफॉर्म करने वाले हमारे 7 में से कोई 5 जाएंगे सुपर 14 में और इसका फैसला करेंगे हमारे जजेस और उनका साथ देने आ रहे हैं द टीनेज हार्टथ्रोब। क्या बात है। अरे धक धक करता है इंडिया उनके नाम से। जल्दी बताओ नाम। द पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया लेडीज एंड जेंटलमैन 40 सालों से मौसीकी के महाराज और सुरों के सरताज सुपर गुरु सुरेश वाडकर। अरे कुछ नहीं सुरेश जी की। थैंक यू फेस का ग्लो देखो, चमक देखो। ही इज जेन्युइनली टुडेज पोस्टर बॉय। मजा आ गया सुरेश जी। थैंक यू। वी आर सो प्राउड टू हैव यू हियर। थैंक यू भाई। हर एपिसोड को देखता हूं मैं। ऐसे हम लोग भी नहीं थे, इतने अच्छे हैं ये। क्या मतलब तो मैं इस सोच में इनको सुनता रहता हूँ कि ये पिछले जन्म के गंधर्व हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, वापस सारी दुनिया पे राज करने के लिए इन्होंने जन्म लिया हुआ है ऐसे लगता है। सुपरस्टार का सोनी टीवी का मैं बहुत आभारी हूँ। जैसे मैं गुरु शिष्य परंपरा से सीखा हुआ हूँ, यही काम सोनी टीवी कर रही इस प्रोग्राम के जरिए। ये भी गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। क्या बात है। ओ सुरेश जी आइए। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भंवरे तू कहना न भूल, फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया। अब जरा सुनिए कान से और शान से भाई, आज हमें मिलेंगे सुपर 14। पर सारे कैप्टन्स चाहते हैं कि उन्हीं की टीम से ज्वालामुखी आगे जाएं और दूसरी की टीम से कम। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर कैप्टन्स बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन दूसरी टीम के ज्वालामुखियों को चैलेंज देकर उन्हें रोकने की होगी पूरी कोशिश। तो देखते हैं कि इन चैलेंजेस के बावजूद कौन सुपर 14 में अपनी जगह बना पाता। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले परफॉर्मेंस के साथ। कौन दे रहा है आरोही को चैलेंज? मैंने। आरोही ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, बहुत सॉफ्ट गाने गाए, सेमी क्लासिकल गाने गाए, रोमांटिक गाने गाए। पर इस बार जो गाना मैं उसको देने वाला हूँ उस गाने में गायकी नहीं है, वो गाना सिर्फ और सिर्फ फील पे है। Alright. तो देखते हैं कि आरोही इस गाने में जान कैसे डालती है। Thank you.
एक बार जोरदार तालियां गाइस, कम ऑन। सुरेश जी, आपसे जानते हैं, आपको कैसा लगा? आरोही, क्या बोलूं, मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है ये। तुम्हारे गले में सच्ची में बहुत सोज है और तुम इस एज में ये थोड़ी बहुत जो समझ है तुम में, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये करके नहीं मिलता। बहुत बढ़िया था। जावेद भाई, आरोही, इस गाने को लाइव गाना बहुत मुश्किल है, तुमने इस गाने को बहुत खूबसूरती के साथ निभाया, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, थैंक यू सचिन। आरोही, तुमने जो अंतरा शुरू किया पहला वाला, वो इतना खूबसूरत गाया, क्या वो लाइन है वो? काटो बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा गाया ये। थैंक यू, बहुत गुड। ऑलराइट बच्चा, थैंक यू वेरी वेरी मच, आ जाओ।
ये गाना जो है ना ये बहुत गहरा और मैच्योर है गाना. आपने बहुत प्यारा गाया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम इससे और अच्छा गा सकती थी. ठीक है बेटा, मुझे बहुत ही क्यूट परफॉर्मेंस लगा. जब तुम परफॉर्म करती हो तो ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत ही स्वीट डिवाइन एंजल परफॉर्म कर रही है और कुछ नोट्स तुमने बहुत अच्छे लगाए. और अच्छी कोशिश करना नेक्स्ट टाइम, बहुत ग्रेट परफॉर्म करना. ओके बेटा. क्या उसका बात चल रहा था? क्यों उसने क्या बोला? क्या बोला उसने? क्या बोल दिया? आपने बोला. बेटा उसको क्या बोलना चाहिए था? क्या बोलना चाहिए? तो तुम्हें रोना नहीं आता? कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था. आज के बाद मैंने ओ निकलते ही अपने मुंह पे ताला लगा देना है. मैंने ओ बोलना ही नहीं. मैं सब बोलूंगा आ ई आ ओ उ, ओ नहीं बोलूंगा मैं. ये ओ ने बड़ा मुश्किल कर दिया है बच्चे के लिए. कोई बात नहीं, आप तो इतनी दूर से आई हैं, वहां तो पता नहीं म्यूजिक का कितना स्कोप है सीखने का, मगर आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और जो आपने एक्सप्रेशन दिए ना, दरारे दारे दारे रा, क्या दरारा दारे दारा रा, ये जो चीजें हैं ना ये पता नहीं आप लोगों को कैसे आती है, हमको भी बहुत बाद बाद में ये आ गई चीजें. आप तो इस एज में ऐसा काम करते हैं तो बहुत कमाल. अपना गाना सीरियसली गाना क्योंकि बहुत अच्छा गाती हो आप. अगर इस सिलसिले में कभी ऐसा लगेगा आपको तो आप मेरे आजीवासन में आ सकती है. फाजिला, कौन दे रहा है आपको चैलेंज? कौन से कैप्टन? मैंने. ज्योतिका बताइए क्या चैलेंज है फाजिल के लिए? फाजिल को हम सुनते आए हैं, वो मस्ती वाले गाने बहुत अच्छे से गाता है, बहुत माहिर है ऐसे गाने गाने में. लेकिन इस बार मैं उसे सुखविंदर जी का रोमांटिक सूफी गाना जो है छैया छैया, मैं चाहती हूँ कि वो हमें सुनाए. क्या बात है. ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू. चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, सारी जग की जाओ चल छैया छैया, सारी जग की जाओ चल छैया, पाँव जनित चले चल छैया छैया, पाँव जनित चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, चलिए
सुरेश जी, आपसे जानते हैं, आपको कैसा लगा? ओ मेरे फाजिल दोस्त, जीते रहो। थैंक यू सर। तू मुझे बिल्कुल मिनी सुखविंदर सिंह लगा आज। थैंक यू सर। नाद वो यार मेरा सही। और वही गायकी आप में दिखाई दी मुझे इस गाने में, जिसके लिए मैं आपको बहुत सैल्यूट करता हूँ। इस एज में जो ये सब चीज़ें अपने गले में उतार सकता है, वो एक दिन बहुत बड़ा गवैया हो सकता है। फाजिल, तुमने जिस एटीट्यूड में एफर्टलेस होकर ये गाना गाया है, ऐसा तो फाजिल हमने कभी देखा ही नहीं था। अब तक ग्रेट फाजिल था, लेकिन अब तो एक विनर वाली क्वालिटी तुम में आ चुकी है सुपरस्टार सिंगर के इस हाई टैलेंट शो में। क्या बात है फाजिल! और बनती है भाई, मेरी तरफ से तो बन गई। फाजिल, बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस था। थैंक यू। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। थैंक यू। तेरे आज सचिन ने चैलेंज दिया है सात्विक को। जो मैंने सात्विक को एक गाना दिया है, उस गाने में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, जंपिंग नोट्स हैं, स्केल चेंजेस हैं। सो ये सारी चीज़ें गाने के एलिमेंट के साथ विद एक्सप्रेशन, क्या वो शातिक निभा पाएंगे या नहीं, यही आपका चैलेंज है। मंजूर है। क्या बात है! हम थे वो थी, वो थी हम थे, हम थे वो थी और समा रंगी, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगी, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हने प्यार हो गया।
बात है भाई, क्या बात है, अप्लॉज़ेस अप्लॉज़ेस, एक बार जोरदार यार। मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एफर्टलेस परफॉर्मेंस, सुर में परफॉर्मेंस, स्टाइल में परफॉर्मेंस। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा था ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन एक सच्चे सिंगर की तरह, सुपरस्टार सिंगर के ग्रेट सिंगर की तरह ये डिस्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। आज मैं चाहता हूं कि तू अपने लिए करे सुपरस्टार नमस्ते, 1 2 3 4। भाई अब बढ़ते हैं हमारे सबसे बड़े सुपर गुरु के पास, शक्ति। हाँ। केमो नाचो? भालो अच्छी। भालो अच्छी ना, तुमने तो बोलती ही बंद कर दी मेरी। हाँ? अरे हंस दिया, अरे हंस दिया। तुम एकदम यार भूत हो यार। बिल्कुल सही पैसा ना आपने। वो बोल रहा है बाप रे बाप। जो काम तुम कर रहे हो ये बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू सर। गाना और गाने में मस्ती करना, एक हमारे भगवान थे किशोरदा, क्या बात, एक उनका बेटा भी बहुत मस्ती करता है, तीसरा और एक है सोनू निगम। अब इस युग का शातिक है। थैंक यू सर। अगर किसी सिंगर को एक्टिंग करके गाना सीखना हो तो वो शातिक का परफॉर्मेंस देख ले। Thank you. नहीं 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 प्यार हो गया, ओ मनू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा, मनू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा। प्लेबैक सिंगर का मतलब ये होता है कि वो अपनी आवाज के जरिए एक्टिंग करे। एक चीज के बगैर तो ये मेरे कमेंट्स अधूरे रह जाएंगे। एक्टिंग इतनी भी हो, इसने सुर को नहीं छोड़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको आप लोग ना इसको इतना छेड़ते हैं और तंग करते हैं, इसके पीछे लगे रहते हैं, इसको ऐसा वैसा मत समझिए, ये बहुत बहुत बड़ा कलाकार है, ये बहुत ही बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बहुत बहुत। प्लीज कोई तंग नहीं करेगा आगे से, कोई भी आज से कोई तंग नहीं करेगा। हाँ सुनो, कान खोल के सुन लो मैम, 200% 2000% बोल सकता हूँ। क्या तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सलमान सर, आपको हम चैलेंज देंगे। दूसरे एक एक करके आ रहा है, बंद कर दो। क्या बात है, वो क्या बात है यार, जरा इधर आओ, इधर आओ, बाहर आओ मेरे भाई, जरा बाहर आओ। लेकिन ये कौन है, सलमान पास हो गया मगर। आज हमें मिलेंगे सुपरस्टार सिंगर के सुपर 14 एवरीबॉडी। हमारे इस अगले ज्वालामुखी के लिए कौन चैलेंज दे रहा है?
ठानू के लिए चैलेंज है. अभी तक तो उसने बाखूबी राजस्थानी फोक जैसे जो गाने होते हैं वो उसने गाए हैं. अभी जो मैंने उसको गाना दिया है वो एकदम हटके है जैसे गाने वो गाता है उससे. इस गाने में बिल्कुल भी राजस्थानी फोक का कोई अंग नहीं है. इसका नाम है सावन में लग गई आग. सेकंड इसी के साथ पर एक माउली है जी और ये पंडरपुर के वारकरी हैं जी. बिल्कुल
तो मैं चाहता हूँ कि माउली के साथ मैं एक गाना पेश करूँ. क्या बात है सर, क्या बात कर रहे हैं आप, प्लीज आइए. माउली की परमिशन हो तो. सर मेरी तो सर मेरी इच्छा है आप मेरे साथ गाएं. वाह माउली और सुरेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली. संदेश बरसा रे ओ मेघारे 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 मत परदेश जा रे आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे सुरेश जी जैसे महान कलाकार के साथ में खड़े रहना भी बहुत बड़ी बात है. और आज ये गाना आपने उनके साथ में गाकर ये बता दिया दुनिया को कि ये आर्टिस्ट जो है वो हरफन मौला है, वर्सटाइल है, कुछ भी गा सकता है, इसको कुछ भी दे दो. थैंक यू सर. क्या बात है, जीते रहो. सुरेश जी हैं. लेकिन मौली ने कैसे गाया, कितना खूबसूरत गाया. थैंक यू मैम. सुरेश जी के सुर में सुर मिला के गाना कोई आसान काम नहीं है. बिल्कुल नहीं. गॉड ब्लेस यू. क्या बात. मौली थैंक यू वेरी वेरी मच. भाई सुरेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए. सुन ले
सीधा सुरेश जी आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? बहुत जबरदस्त फायर वाला परफॉर्मेंस था ये, बहुत अच्छा लगा गाना। मगर थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा मैं, थोड़ा जरूरत से ज्यादा ताकत लगाती हो, जिससे क्या होगा गले पे बड़ा असर हो जाएगा। मतलब मैं घबरा गया कि आपके गले का सोज जो है वो निकल नहीं जाए। आपने बहुत ही सुंदर गाया है, थैंक यू सर, ध्यान में रखिए। हाँ जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।